नमस्कार, आज हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन और इंग्लिश मीडियम में शुरू कर रहे हैं। तो इसमें पहला चैप्टर नंबर सिस्टम्स का एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम में पहला एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक ना? तो इसमें है कि क्या इसमें पूछ रहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं। तो इसके लिए पहले रेशनल नंबर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, रेशनल नंबर A number which can represents in form of P by Q, in which P and Q are integer and Q is not equal to zero। तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जो P by Q के फॉर्म में लिखा जा सके, है ना, रिप्रेजेंट कर सकें। और इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर बिलोंग टू इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए। ठीक ना? तो हम पहले सबसे पहले कुछ नंबर लेके पहले समझाते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ लिख लेते हैं 11/15, फिर 2/3, -2/3, -8, 6, 0, 0/7 एंड 7/0। देखिए, रेशनल नंबर उसे बोलते हैं जो P एंड Q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक ना? और P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए। ठीक? और इसमें देखिए, इंटीजर पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। इंटीजर भी थोड़ा क्या होता है, देखिए इंटीजर में होता है नंबर, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड -1, -2, -3। ठीक ना? ऑल दीज थिंग्स आर इंटीजर्स। तो इसमें ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है, पॉजिटिव इंटीजर, एंड दीज आर नेगेटिव इंटीजर। ठीक ना? और इसको कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से एंड नेगेटिव इंटीजर को जेड माइनस से। तो इसमें इंटीजर में ये सारे नंबर इंटीजर में आए। अब इसमें देखिए, इसमें फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर नहीं होते, और ना ही डेसिमल के नंबर इंटीजर नहीं होते। ठीक ना? जैसे 11/2 ये इंटीजर नहीं होता, इसी प्रकार 0.25 ये भी इंटीजर नहीं है, केवल यही इंटीजर होते हैं। तो अब इसमें देखिए 11/15 है ना, तो ये P by Q के फॉर्म में लिखा हुआ है और बोथ आर इंटीजर, 11 एंड 15 आल्सो इंटीजर्स। ठीक ना? तो P by Q के फॉर्म में है और ये इंटीजर भी है, बट एंड 15 नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर हुआ। फिर इसको देखते हैं, -2/3 है ये, तो इसमें देखिए -2 और 3 ये दोनों इंटीजर होता है, और देखिए नीचे वाला जीरो नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर हुआ। फिर -8 देखिए P/Q के फॉर्म में नहीं है, बट वी कैन रिप्रेजेंट -8 इन फॉर्म ऑफ P/Q, तो इसको लिख सकते हैं -8/1। ठीक ना? तो P/Q के फॉर्म में लिख लिया। अब इसमें P और Q, देखिए -8 और 1 दोनों इंटीजर है।
ठीक ना, ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, तो इस प्रकार ये। और नीचे वाला देखिए q है ना, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ वन है, इसलिए ये रेशन नंबर हुआ। इसी प्रकार सिक्स को भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और सिक्स और वन दोनों इंटीजर हैं और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक ना, वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो सिक्स इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अब देखिए इसकी बात करें जीरो, तो जीरो को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जीरो बाई वन कर सकते हैं इसको, ठीक ना। इसमें p और q, देखिए p जीरो q वन बोथ आर इंटीजर, जीरो इंटीजर होता है, वन भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए यहाँ तक तो कंडीशन हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में है और दोनों इंटीजर है। अब लास्ट में चेक करते हैं कि क्या डिनोमिनेटर जीरो है कि नहीं, यदि ये जीरो होता तो हम बोलते हैं कि रेशनल नंबर नहीं है, मगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में वन है इसलिए ये रेशनल नंबर है। तो पहले क्वेश्चन में था कि इज जीरो इज रेशनल नंबर, तो वी कैन से दैट जीरो इज रेशनल नंबर, ठीक ना। अब इसको चेक कर लेते हैं एक, तो जीरो बाई सेवन लिखा है, देखिए जीरो बाई सेवन मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, और जीरो और सेवन दोनों इंटीजर होता है, और नीचे वाला जीरो नहीं है, ठीक ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, इसलिए जीरो बाई सेवन इज आल्सो अ रेशनल नंबर, ठीक ना। अगर हम इसको सॉल्व करें तो अलग बात है, वो जीरो आएगा, ठीक ना, जीरो बाई फाइव, जीरो बाई सिक्स, जीरो बाई सेवन, ये सभी का आंसर जीरो ही आता है। अब इसको चेक करते हैं, देखिए सेवन बाई जीरो है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, और पी और सेवन और जीरो दोनों रेशनल नंबर, दोनों इंटीजर हैं, मगर यहाँ डिनोमिनेटर में जीरो हो गया है, ठीक ना। तो जब डिनोमिनेटर में जीरो जाता है तो रेशनल नंबर नहीं होता, ठीक ना। तो इस प्रकार ये सभी नंबर रेशनल नंबर थे, बस यही एक रेशनल नंबर नहीं था, ठीक ना। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन में था, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इज जीरो अ रेशनल नंबर, तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं यस, जीरो इज, जीरो या ऐसे लिखे जीरो, ऐसे जीरो अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक ना। फिर इसके बाद लिखा है कैन वी राइट इन फॉर्म पी बाई क्यू, ठीक ना, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यस वी कैन राइट जीरो इन पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक ना। तो जीरो पी बाई क्यू कैसे लिखेंगे, जीरो बाई वन, जीरो बाई टू, जीरो बाई थ्री, जीरो बाई फोर, एट्सेट्रा, ठीक ना। तो हमने फॉर एग्जांपल लिख लिया, जीरो को हम इस फॉर्म में पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर, तो थ्री एंड फोर के बीच में देखिए कितना नंबर है, सिक्स रेशनल नंबर, देखिए लिखते हैं सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर, देखिए रेशनल नंबर फाइंड करना है, देखिए इसमें लिखा है सिक्स, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन, ये सेवन आया। अब सेवन से थ्री को, इस थ्री के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटू करेंगे, और फोर को भी इसी तरह करेंगे, तो जैसे यहाँ लिखा है थ्री, इसमें फोर सेवन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में इंटू करेंगे, तो आएगा ट्वेंटी सेवन बाई सेवन, और फिर फोर को देखेंगे, फोर के संग भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे, तो हो गया ट्वेंटी एट बाई सेवन, देखिए ये आया 21 बाई सेवन एंड 28 बाई सेवन। अब इनके बीच में अगर रेशनल नंबर देखें तो यह 22 बाई सेवन, 23 बाई सेवन, 24 बाई सेवन, ठीक ना। इस तरह हमको सिक्स रेशनल नंबर इनके बीच में मिल जाएगा, लिखेंगे हैंस सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर आर, तो यहाँ लिखेंगे 21 है तो यहाँ लिखेंगे 22 बाई सेवन, 23 बाई सेवन,
24/7, 25/7, 26/7, ठीक ना। तो प्रश्न क्वेश्चन नंबर टू हो गया। आप क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन थ्री, तो क्वेश्चन थ्री में है, फाइंड फाइव रेशन नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमको इसमें भी फाइव रेशन नंबर फाइंड करना है। तो इसमें लेकिन देखिए फाइव रेशन नंबर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 5+1=6, ठीक ना। फाइंड फाइव रेशन नंबर फाइंड करना है तो 5+1=6। तो अब 6 का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 कितना आया, 6 3 = 18 और 6 5 = 30। फिर 4/5, इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 4 = 24, 6 5 = 30। अब इसमें देखेंगे 18/30 के बाद 19/30, 20/30, 21/, इसी तरह 23/30 तक हमको 5 रेशन नंबर मिल जाएगा। तो लिखेंगे 5 रेशन नंबर, 5 रेशन नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। तो इसमें 18/30 है तो हम लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो देखिए ये 5 2 2 1 फाइव रेशन नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 फाइंड कर लिया हमने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक ना। तो गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो इसमें फर्स्ट ट्रू फॉल्स है इसमें। तो पहला स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक ना। तो लिखते हैं फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ठीक ना, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसके लिए हम पहले नेचुरल नंबर के बारे में देखते हैं क्या होता है और ये होल नंबर क्या होता है। तो ये स्टेटमेंट पता चल जाएगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो नेचुरल नंबर देखते हैं, नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं। तो ऐसे नंबर, ये काउंटेबल नंबर्स इज नोन हैज नेचुरल नंबर, ठीक ना। जिस किसी नंबर से हम किसी भी थिंग्स का, पर्सन का, चीज़ों को अगर काउंट कर सकें तो उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक ना। सिंपल सी डेफिनेशन है और इसके एग्जांपल 1 2 3 4 5 --। फिर देखते हैं, देखिए होल नंबर ये इनफाइनाइट तक चलेगा, ठीक ना। फिर होल नंबर में होता है, इसमें होता है इफ वी इंक्लूड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर वी गेट द सेट इज नोन एज होल नंबर सेट, ठीक ना। तो हम इसमें इस नेचुरल नंबर के सेट में अगर 1 को भी इंक्लूड कर लें, 0 1 2 3 4, फिर ये इनफाइनाइट तक, तो ये जो सेट मिला इसे हम होल नंबर बोलते हैं, ठीक ना। तो अगर इन दोनों की बात करें तो देखिए ये होल नंबर का सेट के अंदर, देखिए यहाँ से नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक ना। तो मतलब इस होल नंबर में ये नेचुरल नंबर इंक्लूड है पूरा, ठीक ना। तो होल नंबर बड़ा सेट है और उसके अंदर नेचुरल नंबर भी एक उसके अंदर का सेट है। तो अब देखिए मतलब ये बड़ा है और इसके अंदर नेचुरल नंबर है, ठीक ना। और ये लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है। अगर देखिए इसका, अगर एक नेचुरल नंबर हम लें 4, तो 4 एक नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर भी है,
ठीक ना। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही हुआ, तो ये ट्रू है। आप इसको सेट में करके देखते हैं, तो देखिए ये है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश, और अगर एक एक होल नंबर ले लें, देखिए ये होल नंबर हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक ना। तो देखिए होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, तो कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक ना। तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब सेकेंड नंबर देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, लिखेंगे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ठीक ना। तो होल नंबर देखिए क्या होता है, अभी नीचे देखें होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश, ठीक ना, इनफाइनाइट। और इंटीजर हमने लिखा भी, ठीक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक ना। और इसके फिर इधर नेगेटिव टर्म, नेगेटिव नंबर भी होते हैं -1, -2, -3, इनफाइनाइट, ठीक ना। तो अब इसके अगर इन दोनों को देखें तो इंटीजर का सेट बड़ा है, ठीक ना। इंटीजर के अंदर देखिए यहाँ से होल नंबर इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक ना। तो इंटीजर बड़ा होता है और होल नंबर छोटा है या इसके अंदर का है, तो देखिए एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक ना, ये फॉल्स है। देखिए जैसे बोलता है सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं, तो चेक करते हैं, देखिए देखिए -4 इज अ इंटीजर, ठीक ना, बट -4 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक ना। तो होल नंबर नहीं है, तो एवरी इंटीजर होल नंबर तो नहीं ना हुआ, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब एक लास्ट स्टेटमेंट है उसको भी देखते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक ना, थर्ड है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखते हैं इसमें, तो होल नंबर अभी ये हमने देखा, ठीक ना, ये होल नंबर 0 से 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। रेशनल नंबर क्या होता है, इस रेशनल नंबर के अंदर आपका ये नेचुरल नंबर तो आया ही, ठीक ना, नेचुरल नंबर होता है, फिर इसके ऊपर होल नंबर भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है, इसी के अंदर इंटीजर भी होते हैं, मतलब सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, ठीक ना, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक ना, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सभी इंक्लूड होते हैं रेशनल नंबर के अंदर, ठीक ना। मतलब रेशनल नंबर एक बड़ा सेट होता है और इसके अंदर ये होल नंबर एक सेट होता है, तो ये बड़ा हुआ, तो बड़े से बड़ा चीज़ छोटे के अंदर तो नहीं आएगा, ठीक ना, बोला एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो बड़ा सेट छोटे सेट में नहीं आता। अगर ये लिखा होता होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तब तो ठीक है, ठीक ना। जैसे अगर मैं बात करूँ 2/3, ठीक ना, तो 2/3 इज ए रेशनल नंबर, ठीक ना, क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि p बाई q के फॉर्म में लिखा हुआ है, 2 और 3 इंटीजर है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसलिए रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल नंबर, बट 2/3 इज नॉट होल नंबर, ठीक ना। तो इस प्रकार ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक ना।